लखनऊ गौड़िया मठ में कुछ हरि प्रसंग करते हुए आत्मशोधन करने का प्रयास कर रहा हूं। निवृत्ति के ओर चलो, भागवत का उपदेश है। हम प्रवृत्ति मार्ग में है, भोग मार्ग में है। भोग में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, दुख है। आनंद है तो आनंद का आभास है, लेकिन परिणाम दुखमय है। इसलिए भागवत कहते हैं प्रवृत्ति के तरफ ना जाकर निवृत्ति के ओर चलो। निवृत्ति मतलब वैराग्य के ओर, भोग को त्याग करो, भोग से विरत हो जाओ, क्योंकि भोग में सुख नहीं है। कृष्ण भजन में सुख है। निवृत्ति मार्ग में जाने से कृष्ण भजन की ओर जाने का सुविधा हो जाता है। भक्ति में अपना भोग का कोई कथा नहीं है, भक्ति में त्याग का भी कथा नहीं है, लेकिन भक्ति में भगवान का भोग रचना का कथा है। भगवान को सुख देने की बात है। ईश्वर को जो काम से ईश्वर सुखी होते हैं, उस काम को करना भक्ति है। और भगवान कभी भी प्रवृत्ति मार्ग में जो लोग डूबे रहते हैं उनके प्रति संतुष्ट नहीं होते। प्रवृत्ति मार्ग भोग मार्ग है, उसमें कर्मफल का भोग पूरा मात्रा में है, लेकिन निवृत्ति मार्ग में जाने से कर्मफल भोग समाप्त होता है। और भक्ति मार्ग में जाए तो और भगवान है, उनको नित्य सुख, अप्राकृत सुख, उनको निरविच्छिन्न सुख मिलता है। भक्ति सुख स्वरूप है। निवृत्ति मार्ग में संसार का क्लेश कम है, इसलिए शास्त्र कहते हैं एक सोपान है, प्रवृत्ति मार्ग में हमेशा नहीं रहना, धीरे धीरे निवृत्ति की ओर चलो और उसके बाद भक्ति की ओर प्रवेश करो। भागवत स्पष्ट रूप से कहते हैं निवृत्ति मार्ग में सनक आदि चतुष्सन, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, ये सब निवृत्ति मार्ग को पकड़कर जीवों को शिक्षा दिया कैसे इस भौतिक जगत का क्लेश से ऊपर जाकर, क्लेश से निवृत्त होकर कैसे तुम क्रमों पर जाय में तुम ईश्वर की ओर जा सकते हो। वो निवृत्ति मार्ग है, वो भक्ति मार्ग है। इसलिए हमें हमेशा भोग नहीं करना, हमें हमेशा भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है पैसा के पीछे, स्त्री बाल बच्चा के पीछे, मकान गाड़ी के पीछे हमें हमेशा दौड़ना नहीं है। कुछ समय तक वो चेष्टा ठीक है, लेकिन आपके मन में भावना होना चाहिए कि धीरे धीरे हमको निवृत्ति की ओर चलना है, उसमें शांति है, उसमें आनंद है। इसलिए भागवत कहते हैं निवृत्ति निवृत्तस्तु महाफला। प्रवृत्ति मार्ग में कष्ट है, भोग है, क्लेश है, निवृत्ति मार्ग में जाने से महाफल शांति आनंद है। इसलिए निवृत्ति की ओर चलो, भोग मार्ग से हटकर धीरे धीरे निवृत्ति की ओर चलो,
त्याग की ओर चलो, वैराग्य की ओर चलो, उसमें तुम्हें शांति मिलेगा, क्लेश से निवृत्ति मिल सकता है। प्रवृत्ति मार्ग में बहुत प्रवृत्ति मार्ग में अधिकांश मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग में घूम रहे हैं। इसको देख के हमें ऐसा समझना नहीं चाहिए कि प्रवृत्ति मार्ग में हमको भी चलना है। निवृत्तिस्तु महाफला, भागवत का शब्द है। निवृत्ति मार्ग में जाओ तो शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, और वो महाफल प्रसव कर सकता है। महाफल मतलब संसार से निर्मुक्ति। हमें संसार में अपने को बांधना नहीं है, संसार से मुक्त होना है, और मुक्त होना है तो हमको प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर धीरे धीरे निवृत्ति के ओर चलना है। हरे कृष्ण वंशाकर पुत्र श्री कृपा सिंधु भय बचो पतितानां पावने भूष्ण।